नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त हाजिर हूं आपके साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई के रसखान प्रेक्षागृह में अर्कवंशी राजभर सामाजिक एकता सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लेने आए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही सरकार के क्रियाकलापों को कटघरे में खड़ा करते हुए जमकर प्रहार किया और कहा कि अगर अपनी हिस्सेदारी चाहिए तो आवाज़ उठाना पड़ेगा, अन्यथा अभी तक जैसे वोट लेकर छोड़ दिए जाते थे वैसे ही छोड़ दिए जाओगे, लेकिन अगर आवाज़ बुलंद की तो हिस्सेदारी के लिए लोग चिरौरी करने आएंगे। चिरौरी यानी कि विनती करने आएंगे, चिरौरी यानी कि विनती करने आएंगे। मंत्री राजभर ने यहां आयोजित कार्यक्रम में अर्कवंशी समाज के एकत्र हुए लोगों का आह्वान किया कि अभी तक बसपा सपा कांग्रेस व भाजपा की रैलियों में जाकर उनकी कुर्सी भरने का काम करते थे, इसको बंद कर दो और अपनी कुर्सी भरो, देखिए आपके समाज का भला होगा, क्योंकि अभी तक इन पार्टियों ने आप लोगों को महज वोट बैंक ही समझ कर लड़ाया है और फिर इस्तेमाल करके फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि अब समाज जाग गया है और अपनी हिस्सेदारी के लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाएगा। आइए देखते हैं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने और क्या कहा। अच्छा सर, एक चीज और चल रही, नाम बदलने की राजनीति चल रही है। कभी मुगल सराय का नाम बदल दिया जाता, कभी इलाहाबाद का नाम बदल दिया जाता। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस, इसका नाम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जैसे लोग बदल रहे हैं? ये अनवरत ये काम चल रहा है। बसपा ने भी नाम बदला, सपा ने भी बदला, भाजपा ने भी नाम बदला। नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे मुगल सराय का नाम बदला तो मैंने बयान दिया कि ट्रेनों में जो विलंब से ट्रेनें चल रही हैं उसको सही किया जाए, ट्रेनों में जो दुर्व्यवस्था है उसको सही किया जाए, तब ठीक होगा। नाम बदलने से ठीक नहीं हो सकता। प्रयागराज का नाम बदलने से क्या प्रयाग इलाहाबाद की स्थिति सुधर जाएगी? वो नहीं सुधरेगी। आप नाम चाहे किसी भी जिले का चेंज करो, जो पुराने नाम है, मायावती जी ने संत भदोही का नाम बदल करके संत रविदास नगर रखा, आज भी लोग भदोही के नाम से जानते हैं। मुगल पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा मुगल सराय का, आज भी लोग मुगल सराय के नाम से जानते हैं। तो जो भी नाम चेंज हुए हैं, जो पुराने नाम उसी के नाम से आज भी जाने जाते हैं, नाम बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अच्छा, अभी आपने एक अपने संबोधन में कहा था मंदिर और मस्जिद को लेकर, बड़े स्पष्ट शब्दों में अयोध्या में मंदिर और मस्जिद में क्या बनना चाहिए, अगर दोनों नहीं बनने चाहिए तो वहाँ क्या बनना चाहिए? देखिए, ये मंदिर और मस्जिद जब चुनाव आता है तो याद आता है, चुनाव नहीं रहता है तो याद नहीं आता है। मामला जब न्यायालय में विचाराधीन है तो न्यायालय के फैसले अभी या दोनों पक्षों का आपसी रजामंदी हो। हम अति पिछड़ों को ये समझा रहे हैं, गरीबों को, कि तुम मंदिर मस्जिद के झगड़े में मत पड़ो, तुम्हारे बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, तुम्हारे पुल पुलिया नाली खड़ंजा चक्रोड कैसे बने, तुम्हारा राशन कार्ड आजादी के 72 साल में आज भी राशन कार्ड अभी नहीं ठीक हो पाया। आपके हिसाब से होना क्या चाहिए, मंदिर या मस्जिद? क्या बनना चाहिए? कि अब तो फैसला कोर्ट में है तो हम कैसे कह देंगे। मानवीय दृष्टि से क्या होना चाहिए? अब दोनों पक्षों का विवाद तो न्यायालय में है तो हम क्या कहें? आप पक्ष कुछ तो होना चाहिए। हम देखिए, आपकी आस्था जो है, आपकी आस्था किस में है? अयोध्या में आपकी आस्था मंदिर में है या मस्जिद में है? अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, तो दोनों में है। अच्छा, एक सवाल और है हमारा जी भैया, यूपी का सीएम जो है कौन बेहतर हो सकता है? जैसे आप लगातार योगी जी पर आरोप लगाते हैं, तो आपके हिसाब से चूंकि आप गठबंधन में हैं, तो कौन और बेहतर हो सकता है सीएम? ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हमारा विषय होता ना तो हम तो चाहते हैं कि 6-6 महीना हर जाति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगला किसका नंबर होना चाहिए? अब 6 महीना तय होगा, 1.5 साल किसका होना चाहिए नंबर आपके? अब 6-6 महीना पहाड़ जाति का नंबर आवे है तो जैसे बाबू साहब हो गए, पंडित जी हो गए, बाजार के बंसी का नंबर आ जाए, खाजभर का आ जाए, चौहान का, कश्यप का, साग का, नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, ये सब का नंबर आवे। इन लोगों का बहुत अभी तो जैसे केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बात होती, तो क्या उनको बनना चाहिए मुख्यमंत्री? अब वो भारतीय जनता पार्टी
रात भर में ऐसा लाके खड़ा करती है कि पूरा देश उसी को मान लेता है। आप भी उस पे सहमत हो जाएंगे? हम तो अलग रहते हैं चार एमएलए, लेकिन न सरकार बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं। हमारी जो कुवत थी वो चुनाव में हमने इस्तेमाल करके 125 सीट जीतवा दी है, मेरी जो कुवत थी। अब हमारी कुवत तो वो चुनाव आएगा तब ना। सर गुजरात दंगों का क्या असर पड़ेगा? हरदोई के अभी सैकड़ों लोग जो है वापसी कर चुके हैं, साथ ही उत्तरी भारतीयों में भी रोष व्याप्त है। शायद उसका वीडियो मैं परसों रात को वीडियो देखा, तीन वीडियो देखा, दो बच्चे को नंगा करके, जिसके पास परिवार होगा, बच्चे होंगे, वो परिवार अगर उस वीडियो को देख ले तो उसके इतना गुस्सा चढ़ेगा कि अगर सामने कोई मिल जाए मारने वाला तो उसकी हत्या कर सकता है। उस वीडियो को देखने के बाद जिस तरह का प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार बनाओ देश में, आप कहीं काम करो सुरक्षित रहोगे, भाजपा की सरकार वहां भी है। अभी एक विधायक जी, लायक विधायक है, बिधुड़ी के का नाम है, दिल्ली से बयान उनका आया है कि दिल्ली से भी यूपी और बिहार के लोगों को भगा देना चाहिए। अब चुनाव आ रहा है, अब उन्हीं को भगा दिया जाए तब नहीं बोलेंगे। राजभर जी एक सवाल है कि अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो सामाजिक असमानता को कैसे दूर करेंगे? सर्वेक्षण करा लिया जाए आर्थिक आधार पे सभी जाति के गरीबों को आरक्षण, पहला सवाल का उत्तर। दूसरा, इस देश में रहने वाले हर जाति के बेटा बेटी को स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान में चार जाति बनाए, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, सामान्य, चारों जाति के बेटा बेटी को एमए तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, कक्षा चार से सभी जातियों को तकनीकी शिक्षा लागू कराना, चीन का लाइसेंस निरस्त करना, करोड़ों नौजवानों को चीन का लाइसेंस निरस्त होने पर जो उनको बिजनेस करने का मिला उपभोक्ता बाजार पे निरस्त करिए, 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। मंदिर मुद्दे को कैसे हल करें? फिर मंदिर की बात किया। अच्छा, आपने अभी कहा जब चुनाव आता है तभी मंदिर मुद्दा आता है। सही कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही इस मुद्दे को लाती है, आखिर कब तक ये वही नहीं ले आती है? ये जैसे सिक्का देखे है ना, एक तरफ शेर है एक तरफ कुछ और बना होता है, ऐसे ही सब बड़बड़का नेता ना दिल्ली में सब एक का है, वो कहते हैं आप मंदिर का बोलिए तो हम मस्जिद वाला चिल्लाएंगे, तो मुसलमान के वोट के लिए ललकारेंगे तो हिंदू के लिए। मंत्री जी आपने कहा कि भाजपा सरकार गंगा सफाई को लेकर पैसा बर्बाद कर रही है, बिल्कुल सही बात। आप उस पैसे का क्या करते हैं? शिक्षा पे लगाते। आज 75 जिले में ISPCS मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते, उसमें बच्चों को पढ़ाते, निःशुल्क पढ़ाते, वो बच्चे पढ़ के निकलते बेहतर होते। गंगा सफाई अभियान को गलत मानते हैं? बिल्कुल मानते, बिना पैसा में सफाई हो गई, बाढ़ आ गई, 2 दिन में साफ। कह रहा हूँ कि वो सफाई अभियान जो है लूट का अभियान। अच्छा, शिवपाल और राजा भैया को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तवज्जो दे रही है, आपको क्या लगता है? देखिए एक बात बता दो, उल्टा दाव हो गया शिवपाल जी का, भाजपा का दाव उल्टा हो गया। अगर 3-4 महीना शिवपाल जी चले होते तो शिवपाल जी के साथ नाराज लोग समाजवादी पार्टी के जुटते, लेकिन चुनाव बीता, शिवपाल जी की J+ की सुरक्षा हटी और मुख्यमंत्री जी ने हटाया था। 16 महीना तक वो सुरक्षित थे और जब सेकुलर मोर्चा बन गया, कुछ दूर चले हैं तो लगा है कि अब भाजपा को सरकार बनवा देंगे, तो उनको मायावती जी का बंगला अलॉट हो गया, J+ की सुरक्षा दे दिया। ये संदेश चला गया जनता में कि शिवपाल जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। जो लोग साथ आने वाले भी थे वो लौट के चले, जो सच्चाई है। अच्छा, राजा भैया को जिस तरह से तवज्जो दी जा रही है, पार्टी बनवाई गई, उसके बाद क्या लगता है? SC/ST Act। अच्छा मंत्री, अभी आपने अपनी स्पीच में राजा भैया पेशा करे में SC/ST के डर के वजह से जो है भाजपा में शामिल होना, नहीं नहीं वो नहीं, जो लाए हैं कानून जो दिल्ली में लोकसभा में पास किए हैं, पूरे देश का सामान गुस्से में, पूरे देश का, उसको खुश करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा उस समय सड़क पे राजा भैया थे समर्थन में, प्रतापगढ़ में उनके पिताजी रोड पर थे, इस नाते किसी के बहाने लोगों को खुश करने के लिए
सवर्ण केस में बैकवर्ड भी सिम भैया मेरे हाल आप भी शामिल है। अच्छा नहीं, रोड पे तो बैकवर्ड नहीं आया। वही कह रहा मैं, जो कह रहा हूँ पहले तो सवर्ण आया ना, उससे तो नुकसान बैकवर्ड का सरकार में लगातार अधिकारी कर्मचारी और पुलिस वाले ज्यादातर आपके लिए मजबूर हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम बॉर्डर पे एक नियमावली है कि पुलिस की ड्यूटी बॉर्डर पे लगाना चाहते हैं, जो उनको 130 दिन की छुट्टी मिलती है उनको छुट्टी नहीं मिलती है, उनका पत्नी उनके माँ बाप बच्चे बीमार होते हैं तो एसपी नहीं सुनते हैं, डीआईजी नहीं सुनते हैं, आईजी नहीं सुनते हैं। हम उनको 130 दिन जो उनके पूरा सब मिला के छुट्टी बनती है तो वो छुट्टी मांगते हैं तो उनको छुट्टी दिलाना चाहते हैं, और नहीं देते तो उनकी तनख्वाह दो उनकी, और 8 घंटा ड्यूटी लो भाई। अगर वो 16 घंटा 12 घंटा 18 घंटा ड्यूटी करते हैं तो उनको 18 घंटा 12 घंटा की तनख्वाह दो। आपको मुख्यमंत्री सरकार बना देती है तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पे कौन से कार्य करेंगे? पहले तो हम गरीबों की मड़ाई, सुनिए भाई, पहले तो हम गरीबों की मड़ाई उजारेंगे। जितना नौजवान तंग रहेगा, गरीब परेशान होगा, उतने नेताओं को वोट मिलेगा। तो मिलेगा लेकिन नहीं, इसी नाते वो ऐसी व्यवस्था ले आ रहे हैं। नौजवान अपनी लड़ाई कहाँ लड़ता है? ना किसान लड़ता है ना नौजवान लड़ता है, चुनाव आ जाता है तो ये जातियों में बढ़ जाता है, अब बट करके वोट दे देता है, फिर उसके बाद कहता है नौजवान परेशान है। अच्छा एक बात हम ये कहना चाहते हैं, क्या आप नहीं जातियों में बांट रहे हैं लोगों को? जाति हमने बनाया है? नहीं बनाया तो बहुत लोगों हमने नहीं बनाया है ना, हमने जाति नहीं बनाया है, ये समझ लीजिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।